की न मन रो जाट हो सहर जो जाट की न मन रवा हो जाटनी हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे हो गए। तो गाइज मैं आ चुकी हूँ किचन में और चलिए क्या आपको कर पा रही हूँ। तो गुड मॉर्निंग हो चुकी है और अभी मेरे को करना है काम। काम क्या करना है, सबसे पहले तो चने उबलने रखने, तो ये रखूँगी। तो सबसे पहले तो चने उबलने रखे हूँ गाइस, और आज है माता की कढ़ाई तो इसलिए हल्का सा नमक डाल लेती हूँ। और इनको रख देती हूँ सिटी लगवाने। So guys, एक चीज अच्छी कर दी आज मैंने शॉप से अपना मोबाइल का वो ले आई थी, क्या बोलते हैं, स्टैंड या ट्राइपॉड बोलो आप, ट्राइपॉड लेके आई थी क्योंकि किचन में ना परेशान रहती थी। आज सारी परेशानी खत्म कर दी मैंने, इसलिए तो यहाँ पे सामान काफी फैला हुआ है और साथ साथ बर्तन वगैरह लगा लेती हूँ मैं क्योंकि काफी बर्तन बर्तन फैले हुए हैं। और गाइस अभी टाइम हो रखा है 4 बजे, मतलब मैंने टाइम भरा था 3:50 का कि 5-10 मिनट में उठने में लगाऊंगी और जमाई आ रही है क्योंकि रात को भी ये मान लो 12 बज गए थे लगभग, मतलब 4 घंटे मुश्किल से सोई। और अभी हाँ क्या कह रही थी मैं, अलार्म लगाया था मैंने 3:50 का, 10 मिनट मैंने उठ लिया, मुझे 4 बजे उठी, उठ के अभी मैंने चने उबलने रख दिए हैं। अभी मैं देखती हूँ बर्तन वगैरह जचाती हूँ, फिर सोचती हूँ नहाने का, तो नहाने की सोचती हूँ। अभी जब आई ना थोड़ी देर ऐसे ही आएगी मुझे। तो गाइस मैं नहा चुकी हूँ और अभी वापस से आ चुकी हूँ किचन में और अभी फोन को सेट कर देती हूँ। तो गाइस मैं नहा चुकी हूँ, आप कपड़े देख सकते हैं, पता चली गया होगा, हेड वॉश कर लिया और अभी आई हूँ किचन में। और अभी पहले एक सब्जी तो मैंने बना दी, एक रहती है तो उसकी तैयारी कर लेते हैं फटाफट। सो अभी इधर मैं आलू छील रही हूँ, इसमें आलू छील के इसमें रखूंगी। तो अभी मैं पहले है ना गाइस सब्जी बनाऊंगी, एक तो बन गई है, एक रहती है ये वाली सब्जी बना के, उसके बाद पहले मैं जोत लगाऊंगी क्योंकि जोत इसलिए लगाऊंगी कि परमजीत ना रहे ना के, फिर वो नारियल छील देंगे और उनकी छुट्टी नहीं आज, आज जाना है स्कूल। और पवित्र है ना अपनी मर्जी से इतनी छुट्टी करेगी और आज जिद लगा के बैठी है कि मैं स्कूल में जाऊँगी और मैं अकेले इतना काम कैसे करूँगी, बाद में इतने बर्तन बर्तन झाड़ू पोछा सब पड़ा है, अब पता नहीं जाएगी या नहीं जाएगी। मैंने तो डांट दिया सुबह सुबह उसे, चली जा तू रुकना मत यहाँ। बिल्कुल ही 9 दिन फास्ट रखने के बाद है ना वो एनर्जी नहीं रहती, और स्पेशली आप जब आप कुछ खाते नहीं हो फास्ट में, सिर्फ लिक्विड ही लेते हो तो बहुत फर्क होता है। तो खाने पीने का ही इतना हो जाएगा अभी तो मेरे को, ये मान लो हलवा बनाना, खीर बनानी, बहुत सारा काम अभी बाकी है। अपनी तरफ से तो जल्दी कर रही हूँ लेकिन अभी भी लेट ही हूँ क्योंकि अकेले करना पड़ता है ना, 2-3 जने हो तो कर ले, किसी ने कुछ बना लिया किसी ने कुछ, अकेले में इतनी सारी चीजें बनाना। और फिर जैसे कईयों के घर में क्या होता है, जैसे हलवा हलवा बनाएंगे, एक सब्जी बना लेंगे छोले बोले की, और मैं वैसे खाली फीके चने उबाल लेते हैं कई माता के,
लेकिन मैं माता के चने छोपती हूँ, छो के जो सूखी सब्जी बनती है वो बनती है, फिर तरी वाली बनती है, खीर बनती है, हलवा बनता है, पूरियां बनती हैं, सारी चीजें बनाती हूँ मैं माता की, जो प्रॉपर कढ़ाई होती है ना जिसमें सारा सारे पकवान सब बनाती हूँ, तो उसमें बहुत टाइम लग जाता है गाइस। और बीच में फिर अभी पूजा भी करनी है, ताकि पूजा करने के बाद नारियल को उठा लेंगे परमजीत, और फिर मैं अपना बस एक बार ये वाली सब्जी में तड़का लगा देती हूँ, फिर ये बनती रहेगी, तब तक मैं पूजा करूंगी, फिर हलवा खीर और पूरी, ये चलेगा, फिर इसमें टाइम लगेगा, ये लंबे चलेंगे ये चीजें। सो गाइज, इधर तो मैंने दिखाती हूँ आपको, या तो मैंने चने छोक दिए सूखे, और इधर सब्जी बन रही है, और अब मैं पहले करूंगी पूजा, पूजा करने के बाद फिर आगे हलवा खीर। मम्मी दीदी ऐसे कह रही थी कि सो की बात थी, इसमें भी एक तो बीस का और सारे बीस। अच्छा, और ये दूध कितना लाई है? 3 थैली। 3 थैली नहीं, 3 किलो बुद्धू। चले क्या, इनको अंदर रख दे और और चले एक क्या। किलो 3 किलो बोला था, 3 थैली लिया है, 3 किलो, एक तीन किलो थैली, डेढ़। हाँ डेढ़ और ले गया। चल तो अभी मैं चलती हूँ अंदर, जोत लगा लेती हूँ फटाफट। स्कूल में ना वो बच जाएगी ना, मम्मी दीदी को भेज दो। तो गाइस अभी आटा आटा मैंने लगा दिया है, इधर देखो यहाँ रखा है, आटा लगा दिया, दोनों सब्जी रेडी हो गई है, चने और ये, और अब मैंने रख दिया है खीर के लिए 4, और तब तक मैं छीलती हूँ नारियल। परमजीत छील गए नहीं, गए काम बोला था वो भी नहीं करके गए, और इधर नित्या अपने बाल कॉम करवा रही है, और पवित्र ना नहीं रही कि कोई काम करना पड़ जाए इसलिए ना के, तो आज अकेले ही सारे काम खुद करने हैं, हेल्प करने वाला कोई नहीं है। और मैं अभी नारियल छील रही हूँ, वैसे तो मुझे पहले जोत लगानी है तब ये छीले, तो मैं पहले क्या करती हूँ, पहले जोत ही लगा लेती हूँ, खीर चावल रख रखे हैं तब तक वो बन जाएंगे। आ गई हूँ इधर, और अपना पहले पूजा करती हूँ फिर नारियल को छीलूंगी। राई नहीं, इधर आइयो बेटा एक बार हैंड वॉश करके। नहीं इधर से इधर रखती हूँ। गाये भारती या हम सब उतारे तेरी आरती, नहीं मांगते धन और दौलत ना चांदी, भक्त जनों पर मैया भीड़ पड़ी है भारी रे, भक्त जनों पर मैया भीड़ पड़ी है भारी, दल पर टूट पड़ो माँ करके सिंह सवारी, सो सिंहों से तू बल शास्त्र भुजाओं वाली, दुखियों के दुखड़े नीवा, मैया हम सब उतारे तेरी आरती। हम सब उतारे तेरी आरती, हम सब उतारे तेरी आरती। सो गाइस अभी नारियल छील रही हूँ, पर मुझसे ये काम एक ऐसा था जो मुझसे होता नहीं है भाई, अभी कैसे करूँ मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि ये काम ना जेंट्स ही अच्छे से करते हैं और परमजीत करते नहीं है। तो गाइज मैं एक बार
नारियल छील लेती हूँ फटाफट, फिर दिखाती हूँ आपको आगे, क्योंकि इसमें टाइम लगने वाला है। गाइस अभी तो ऊपर का कचरा उतर है, अभी पानी निकाल लूँ पहले। हाँ फाइनली निकल गया पानी, अब एक और जंग रह गई है इसको फोड़ने की। इसको फोड़ने वाला जो काम है वो सबसे बुरा है। देखते हैं कैसा निकलेगा गाइस, कोशिश करती हूँ साबुत ही निकाल लूँ, पर निकलेगा नहीं साबुत, थोड़ा सा तो टूटेगा। ये देखो निकल गया, सो गाइस खीर ऑलमोस्ट बन गई है, और अभी इसमें ना थोड़े ड्राई फ्रूट डाल रही हूँ। ये देखो दिखा दो आप लोगों को, ये देखो भूरा भरा हुआ है पतीला बिल्कुल, ठीक है। और अब इनको मैं वो कर देती हूँ, मिक्स कर देती हूँ थोड़ा सा। आज है ना पता है क्या हुआ, थोड़े से चावल ज्यादा ही गिर गए मेरे से। पवित्र क्या कर रहे हैं? हैं? एक बार इधर आ, और गाइस आज है ना सारा काम लेट हो गया, आज अकेली लग रही हूँ, और बीच बीच में ना बैठ जाती हूँ, मतलब थकान हो जाती है, और काम ज्यादा हो गया अकेली का। मेरा तो आज 10 बजेंगे पूरी ही नहीं उतरेंगे, इतना लेट मैं कभी नहीं करती, पहली बार ऐसा हो रहा है। क्योंकि सुबह उठ के सबसे पहले रसोई में झाड़ू पोछा करा, फिर नहाई सिर धोया, और फिर सब्जी दो बनाई, फिर बीच में नारियल छीलने में आधा पौना घंटा खराब हो गया, वही मेरे से इतनी देर में छिला, और बहुत टाइम आज वेस्ट हो गया। और बस अब ऐसा हो रखा है थकान, अभी तो हलवा बनाना बाकी है, और 9 बज चुके हैं आज तो बिल्कुल, इतना मेरा दिमाग खराब हो रखा है। पर नारियल बहुत अच्छा निकला, इतना बड़ा बिल्कुल भर के देखना कितना नारियल होगा, और पानी पीऊंगी मैं बस अब नारियल का थोड़ा सा, क्योंकि बिल्कुल गला सूखा हुआ है। कढ़ाई धर के ना वो रवा गाल के ना लाल शुरू कर दे, और भी आग इतना एक खीर में कहना पहला तगा की खीर काट दे, ठीक है। कन्नू की एक था एक छोटी प्लेट में अलग से सजाए जा, उसमें चाय वाले ले प्लास्टिक की भीतर तक, ई मैं काट के गा की यार थोड़ी हलवी हो जाएगी ना भीतर ले जाकर दर्द, चीनी चेक कर लिया गा की कन्नू की काट देना। सो गाइस मैं स्लेट के ऊपर बैठी हुई हूँ और हलवा बना रही हूँ, दिखाती हूँ आपको। मेरी चम्मच गर्म हो गई, फोन उठाने लगी थी उसके चक्कर में इसलिए, और अब है ना कढ़ाई बिल्कुल गर्म हो गई है, और अब है ना वो रखा है जल्दी जल्दी बनाना, मैं ना बिल्कुल स्लो उसके बनाती हूँ। सो गाइस देखो पानी टपक रहा है, वट चटर बोल बेरा धान। एक
जल्दी आ जाना। सीधे यही आना इनके घर से। वो भी साड़ी उतार ले फिर। साड़ी उतार के इसमें दबा के जाने। सो गाइस पूरी उतरी है गर्मा गर्म, आप भी आ जाओ और खा लो। तो आ गई सारी लड़कियां, कितनी आई हैं भाई? दीदी कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं। हम्म, और लड़कियां कहाँ हैं? इसने ही करी थी पहले। अरे वो कहाँ गई? और लड़कियां नहीं आई क्या? हैं वानी, वानी की दो चोटी, वानी की दो चोटी। और तू फोन में क्या लगा? इधर चल, आ जा जल्दी। तो गाइस मामा की हो गई है पूरी, और अब आके कन्या के पैर वगैरह धोएंगी कन्याओं के, और फिर हम इनको जमाएंगे। पवित्र सुबह से अब आई है, पवित्र उतारनी सीख रही है कि पूरी कैसे उतारते हैं। आती है मुझे। आती रहने दे, फोड़ मत उसको, बस पलट उसको भी, पलट ज्यादा लाल मत कर, बस 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 अब निकाल ले। और कुछ कन्या आ गई है, कुछ आनी बाकी है, बस अभी उनको हम खाना खिलाएंगे, पैर वैर धुलवाऊंगी और फिर उनको अंदर प्रसाद देंगे। ये थोड़ी सी पूरी छोटी थी, मैं देखी और देखी तो मैंने लगाएगी। तो गाइस मम्मा ने इन सब के पैर धुला दिए हैं और अब अंदर चल रहे हैं। बैठो सब लाइन में बैठो, करवा दे जा। चल मधु भी आ गई। मैं दो कन्या को और ले आई। लिया लिया दो कन्या। कन्या को यस ब्रो, हाउ आर यू? सब बाल बड़े हैं तो क्यों?